अगर आप एक टेलीविजन एक्टर बनना चाहते हैं तो डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन जरूर से जरूर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो टीवी एक्टर बनना चाहते हैं। इससे पहले मैं कई सारे प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अगर आप एक टीवी एक्टर बनना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को देखिए और वहाँ से डिटेल्स निकालिए और अपने प्रोफाइल को मेल करिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ऑडिशन के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और फ्रेशर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है कि मैं आप लोगों के साथ उन प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स शेयर करूँगी जहाँ पर आप आसानी से ऑडिशन दे सकते हैं, तो डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस भी उनमें से एक है जहाँ पर आप आसानी से ऑडिशन भी दे सकते हैं, अपना प्रोफाइल भी मेल कर सकते हैं और यहाँ पर नए लोगों को चांस मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस राजन शाही का है। इनके कई सारे सीरियल आ चुके हैं। एक इनका हिट सीरियल आया था जिससे इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था और इनके अभी स्टार प्लस पर 3 सीरियल आ रहे हैं। तो दोस्तों इनका एक स्टार प्लस पर सीरियल आया था सपना बाबुल का बिदाई। इसी सीरियल के थ्रू इनका प्रोडक्शन हाउस काफ़ी फेमस हो गया था और ये सीरियल काफ़ी हिट भी हुआ था। 2010 में ये सीरियल शुरू हुआ था और 2013 में बंद हुआ था। फिलहाल अभी की बात करूँ करंट शो की तो इनके 3 शो आ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते हैं प्यार के और अनुपमा। तीनों सीरियल इनके हिट सीरियल हैं और दर्शकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे लंबा चलने वाला शो है इनका। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको अपना प्रोफाइल मेल कर सकते हैं और आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो ऑडिशन के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, इनका प्रोडक्शन हाउस मुंबई में अंधेरी में। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप ऑडिशन के लिए जा सकते हैं, अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो आप इनको अपना प्रोफाइल मेल कर दीजिएगा। आपको नंबर भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप इन्हें कॉल कर लीजिए और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लीजिए। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।